हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू प्लेलिस्ट की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही टाइम में कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम होने वाला है, तो उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ एक MCQs है जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इसी के साथ हम जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो कंप्यूटर टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है या फिर कहाँ से ड्राइव हुआ है। ऑप्शन है ग्रीक, जर्मन, संस्कृत और लैटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैटिन। जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि कंप्यूट वर्ड जो होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी के साथ हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर वर्ड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEPROM कैन बी यूज्ड फॉर, कि EEPROM का यूज हम इसलिए करते हैं। ऑप्शन है इरेजिंग द कंटेंट ऑफ रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम और डुप्लीकेटिंग रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी रोम है वो एक मेन मेमोरी का पार्ट है, तो EEPROM है वो रोम का ही एक पार्ट है जिसकी फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसी के साथ एक रोम का पार्ट और भी होता है EEPROM जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर्स इज मेजर्ड बाय, कि जो लेजर प्रिंटर की स्पीड होती है उसे किसमें मेजर किया जाता है। ऑप्शन है करेक्टर पर मिनट, डॉट पर इंच, पेज पर मिनट और लाइन पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेज पर मिनट। बेसिकली प्रिंटर होता है वो टू टाइप का होता है, एक तो है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मीनिंग होता है कि जब कोई भी प्रिंटर प्रिंटिंग के टाइम नॉइज क्रिएट करता है तो हम कहते हैं कि वह प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि यदि कोई प्रिंटर प्रिंटिंग के टाइम नॉइज क्रिएट नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये प्रिंटिंग के टाइम किसी भी टाइप की नॉइज को क्रिएट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो प्रिंटर होता है उसकी आउटपुट क्वालिटी हम कैसे मेजर करते हैं। ऑप्शन है डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉट पर इंच। जब हम किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को चेक करते हैं तो हम डॉट पर इंच के अकॉर्डिंग ही उसे मेजर करते हैं। इसी के साथ हम जानते हैं कुछ एक और प्रिंटर्स के बारे में, जैसे कि इसमें कुछ एक इमेजेस दी हुई है जिसमें फर्स्ट है वो हमारा एक लेजर प्रिंटर है, ये डेजी व्हील प्रिंटर है, एक होता है ड्रम प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है और एक इंकजेट प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि डेजी व्हील और ड्रम प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट मीन्स कि ये प्रिंटिंग के टाइम नॉइज क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैशे मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन, कि जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो किन किन के बीच में बफर का काम करती है। ऑप्शन है रैम एंड रोम, रैम एंड सीपीयू, रोम एंड सीपीयू और सीपीयू एंड हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, रैम एंड सीपीयू, क्योंकि कैशे मेमोरी का यूज हम स्पीड को इंक्रीज करने के लिए करते हैं जिससे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है वो भी फास्ट हो जाता है। तो जो हमारी कैशे मेमोरी है वो रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। अगला क्वेश्चन है द क्लॉक स्पीड इज माइक्रो कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो किसमें मेजर की जाती है। ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज, बिट, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मेगाहर्ट्ज। द कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, ऑप्शन है मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अरिथमेटिक रजिस्टर और मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। राइट आंसर है वो है ए, मेमोरी डेटा रजिस्टर। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू कॉम्पैक्ट डिस्क, जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसे हम कैंडी स्टोरेज भी कहते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ऑप्शन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेजर, कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए CD DVD डिस्क, कि जो हमारी CD और DVD डिस्क होती है उनका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है 120 mm, 125 mm, 130 mm और 150 mm। तो इसका राइट आंसर है ए, 120 mm, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिया हुआ है कि जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो
120 mm होता है। इसके अलावा इसमें प्रोग्राम एरिया होता है जहां हमारा डेटा होता है वो उसको लिखा जाता है, और लीड इन एरिया और लीड आउट एरिया इंक्लूड होता है। डीवीडी ड्राइवर्स एंड प्लेयर्स यूज, डीवीडी ड्राइवर्स और प्लेयर्स है वो किन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या किन डायोड्स का यूज करते हैं? ऑप्शन है 650 नैनोमीटर रेड लेजर डायोड, 405 नैनोमीटर ब्लू लेजर डायोड, बोथ ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है 405 नैनोमीटर ब्लू लेजर डायोड। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स इन सीडी इज, कि जो हमारी सीडी होती है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है, तो मैक्सिमम कितने ट्रैक्स होते हैं किसी भी सीडी में? ऑप्शन है 100, 99, 101 और 98। इसका राइट आंसर है 99, कि जो हमारी सीडी होती है उसमें मैक्सिमम 99 ट्रैक्स हो सकते हैं। विच की ऑफ द कीबोर्ड इज मेनली यूज टू कैंसिल द प्रोग्राम, कि किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का यूज किया जाता है? ऑप्शन है डेल की, एंटर की, इंसर्ट की और एस्केप की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्केप की। जैसे कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में एस्केप की दी हुई है। एक स्टैंडर्ड 12 सेंटीमीटर डायमीटर सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क हैज ए कैपेसिटी ऑफ, कि एक सिंगल लेयर की 12 सेंटीमीटर डायमीटर की एक ब्लू रे डिस्क है तो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 25 GB, 50 GB, 100 GB और 128 GB। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 GB, कि एक सिंगल लेयर की ब्लू रे डिस्क जिसका डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है तो उसकी कैपेसिटी 25 GB हो सकती है। अगला क्वेश्चन है जॉन नेपियर इज द इन्वेंटर ऑफ, जॉन नेपियर है उसने किसका इन्वेंट किया था? ऑप्शन है एल्गोरिथम, लॉगरिथम, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉगरिथम। जॉन नेपियर को लॉगरिथम का इन्वेंटर माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में, जैसे कि CRT, LCD, LED, HDTV और MICR। तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, HDTV की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन टेलीविजन, MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर। इसी के साथ हम जानते हैं कुछ एक शॉर्टकट की के बारे में, जैसे कि Ctrl+A जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। तो इसका यूज हम सिलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। Alt+F इसका यूज हम फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, जो भी हमारा करंट प्रोग्राम है उसमें फाइल मेन्यू के ऑप्शन के लिए करते हैं। Alt+E एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, जो भी हमारा करंट प्रोग्राम है उसमें एडिट ऑप्शन के लिए हम Alt+E का यूज करते हैं। F1 है, F1 की का यूज हम यूनिवर्सल हेल्प के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।